सो गाइस, आज की वीडियो क्वेश्चन है हमारा परम्यूटेशन से। तो हमें बताना है गाइस, में सम ऑफ ऑल फोर डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1, 2, 4, 5, 6 विदाउट रिपीटेशन। यानी कि इन फाइव डिजिट से हमें फोर डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, फिर उनका सम भी फाइंड करना है। ठीक है, ये नहीं बताना सिर्फ हमें कि कितने फोर डिजिट नंबर बनेंगे इन नंबर से विदाउट रिपीटेशन, उन नंबर्स का सम भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें गिवन किया है, हमारे डिजिट्स दे रखे इसमें 1, 2, 4, 5, 6। उसके बाद गाइस हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स कितने फाइंड करने हैं हमें, बेसिकली नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमारे इसमें। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे हैं टोटल 5। तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा n। ठीक है, तो गाइस हमारा एक फॉर्मूला होता है इसके लिए कि अगर हमें नंबर्स का सम फाइंड करना है, ठीक है, पॉसिबल जो नंबर बने हैं उनका सम फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो यूजिंग द फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो फॉर्मूला है क्या, n-1 p परम्यूटेशन r-1 एंड सम ऑफ ऑल नंबर। जिस नंबर से हमें वो नंबर बनाना है उनका पूरा सम निकालना होगा। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मल्टीप्लाई, साथ में गाइस हमें वन नंबर्स का रिपीटेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये वन जो नंबर्स होंगे, ये वन जैसे 1, 2, 3, वन कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 3 बार हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना आर है, जितना हमारा आर होगा उतना ही बार हमारे वन होंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस रिज़ल्ट से। ठीक है, सम फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। सो कैसे करेंगे? तो हमारा एन है हमारा यहाँ 5, आर यानी कि हम 4 डिजिट्स के नंबर बना रहे हैं, यानी कि आर है हमारा 4। ठीक है, सो एन माइनस वन कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, और आर माइनस वन हो जाएगा हमारा। तो सिंपली आपको फॉर्मूला पुट कर देना है, तो यानी कि इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4p3। ठीक है, 4p3 और सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर। तो सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर क्या होगा हमारा, ये ऐड कर देते हैं इन्हें, तो 1 + 2 + 4 + 5 + 6 और मल्टीप्लाई, क्योंकि गाइस हमारा आर 4 है तो जो 1 होंगे हमारे 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 हम 1s लेंगे इसमें। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि जितने बार आर होगा उतने बार हमारे 1 होंगे। ठीक है, अब सिंपली 4p3 कितना होगा हमारा, तो 4p3 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल, यही होता है हमारा। तो यानी कि 3 फैक्टोरियल, तो ये बेसिकली गाइस हमारा कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है हमारा, 4 फैक्टोरियल होता है हमारा 24। तो 24 डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 1111। ठीक है, अब इसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 432 × 111 एंड यू विल गेट 479952। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल नंबर जो कि बने हमारे फाइव डिजिट नंबर से बने हैं विदाउट रिपीटेशन, उनका सम फाइंड करना था। तो सम का फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला, अंडरस्टूड। सो npr का फॉर्मूला मैंने बहुत पहले पढ़ा था 11th क्लास में। तो बेसिकली होता क्या हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन वो होता है हमारा n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सो फॉर्मूला देख लेना आप एक बार। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड इट। आई होप लाइक दिस फॉर वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।